इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक व देश की राजनीति के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। बड़े लंबे समय से बीमार चल रहे थे मुलायम सिंह यादव। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में कई दिनों से अपनी किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। लगातार डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही थी, लेकिन आज मुलायम सिंह यादव ने अपनी अंतिम सांसें ली हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर पूरे राजनीतिक कुनबे के लिए पीड़ादायक है। मुलायम सिंह यादव के निधन की जानकारी देते हुए उनके बेटे व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा, मेरे पिताजी व सबके नेताजी नहीं रहे। इसके बाद उनके निधन पर सभी नेता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, जब हमने अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में काम किया, तब मुलायम सिंह यादव जी के साथ मेरी कई बातचीत हुई, घनिष्ठता जारी रही और मैं हमेशा उनके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक था। उनका निधन मुझे पीड़ा देता है। और ऐसे कई राजनेताओं ने ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको अपनी खबर के माध्यम से ये बताएंगे कि कौन थे मुलायम सिंह यादव, कैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखा और किस प्रकार वह उत्तर प्रदेश के इतने बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए। वर्ष था 1939 और तारीख थी 22 नवंबर, जब इटावा के सैफई गांव में रहने वाले सुघर सिंह के घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम मुलायम सिंह यादव रखा गया। मुलायम सिंह यादव की माता का नाम मूर्ति देवी था। शुरुआती दिनों में मुलायम सिंह यादव को राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। मुलायम सिंह यादव को पहलवानी का बहुत शौक था और वह पहलवान बनना चाहते थे। मुलायम सिंह यादव की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से एमए और जैन इंटर कॉलेज करहल मैनपुरी से बीटी की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य भी किया। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई। वर्ष 1960 में अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह के सहयोग से मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में कदम रखा और अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के बाद मुलायम सिंह ने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से 1967 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता और विधायक बने। विधायक बनने के बाद उन्होंने अपने अध्यापक पद से इस्तीफा दे दिया। वर्ष 1974 मुलायम सिंह यादव प्रतिनिहित विधायक समिति के सदस्य बने। वर्ष 1977 में वह पहली बार मंत्री बने। 1980 में भी कांग्रेस की सरकार में वे राज्य मंत्री रहे और इसके बाद फिर चौधरी चरण सिंह के लोक दल में अध्यक्ष चुने गए और विधानसभा चुनाव हार गए। चौधरी जी ने विधानसभा परिषद में मनोनीत करवाया, जहां पर वे प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। शुरुआत से ही मुलायम सिंह यादव दलितों और पिछड़े वर्गों से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे और आज भी यह वर्ग उनका बहुत आधार है, जहाँ उन्हें काफ़ी लोकप्रियता भी मिली। अयोध्या में हुए बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर हिंदू कट्टरपंथी संगठनों के उनके मुखर विरोध ने मुलायम सिंह यादव को मुस्लिम समुदाय में भी लोकप्रिय बना दिया। 1992 में बाबरी मस्जिद टूटने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति सांप्रदायिक आधार पर बंट गई और मुलायम सिंह यादव को राज्य के मुस्लिमों का समर्थन हासिल हुआ और आज भी समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट लगभग 100% मिलता है। अल्पसंख्यकों के प्रति उनके रुझान को देखते हुए कहीं कहीं पर उनको मौलाना मुलायम का भी ठप्पा लगाया गया। 1989 में जब उत्तर प्रदेश सरकार का गठन होने वाला था तो उस समय मुख्यमंत्री पद के दो उम्मीदवार थे, मुलायम सिंह और अजीत सिंह। मुलायम सिंह जनाधार वाले नेता थे, जबकि अजीत सिंह अमेरिका से लौटे थे। भारत के 8वें व पूर्व प्रधानमंत्री रहे विश्वनाथ सिंह हर हाल में अजीत सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन मुलायम को यह मंजूर नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए गुजरात के समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को लखनऊ भेजा गया। वे उस समय उत्तर प्रदेश के जनता दल के प्रभारी थे। वीपी सिंह का दबाव उनके ऊपर था कि अजीत को फाइनल करें। यहां मुलायम सिंह यादव ने जबरदस्त राजनीतिक चातुर्य का प्रदर्शन किया। चिमन भाई पटेल ने लखनऊ से लौटते ही मुलायम सिंह के नाम पर ठप्पा लगा दिया। 1993 में मुलायम सिंह यादव ने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि यह मोर्चा जीता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनाने से चूक गई। मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस और जनता दल दोनों का साथ लिया और फिर मुख्यमंत्री बन गए। जून 1995 तक वे मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। मुलायम सिंह यादव तीसरी बार 2003 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और विधायक बनने के लिए उन्होंने 2004 की जनवरी में गुन्नौर सीट से चुनाव लड़ा, जहां उन्होंने रिकॉर्ड बहुमत से विजय प्राप्त की। कुल डाले गए मतों में से 92% मत उन्हें प्राप्त हुए थे, जो आज तक विधानसभा चुनाव का एक शानदार रिकॉर्ड रहा है।
1996 में मुलायम सिंह यादव 11वीं लोकसभा के लिए मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे और उस समय जो संयुक्त मोर्चा सरकार बनी थी उसमें मुलायम सिंह भी शामिल थे और देश के रक्षा मंत्री बने। यह सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चली। 2004 चौथी बार 14वीं लोकसभा में सांसद चुनकर गए। वर्ष 2007 यूपी में बसपा से करारी हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2009 में वह 15वीं लोकसभा के लिए 5वीं बार चुने गए। 2009 स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी के चेयरमैन बने। वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सांसद बने। 2014 स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर के सदस्य बने। 2015 में जनरल पर्पस कमेटी के सदस्य बने और वर्तमान में वह मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद भी थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव का एक सपना था कि वह प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और आज उनके निधन से सभी को बहुत दुख हो रहा है और सभी राजनेता व राजनीतिक दल उनको सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।